hello everyone in this video i am going to describe poem 3rd that is the wise of the rain that means barishki awaz this is written by balt whitman the wise of the rain poem and explanation first of all i want to read these lines then i will explain you line by line and who art thou सेड आई एट द सॉफ्ट फॉलिंग्सावर विच स्ट्रेंस टू टेल गेमीसर एज हेयर ट्रांसलेटेड आई एम द पोइम ऑफ अर्थ सेट द वॉइस ऑफ द रेन एटर्नल आई राइज इम्पेपेबल आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटम सी हु आर दाओ इसका मतलब क्या है हु आर यू जो आपकी लाइन है ना ये लाइन है आपकी Are thou, इसका मतलब क्या होता है हु आर यू इथर्नल इस वर्ड का मेनिंग क्या है नेबर एंडेड जो कभी भी खत्म नहीं होता इम्पेलेबल जिसका मतलब क्या होता है विच कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड इन द एब लाइन जो लाइन अभी अभी मैंने रीड की है द पोइट अज द सॉफ्ट फॉलिंग शावर जो पोइट है शाफ्ट जब बहुत जल्दी जल्दी जो सॉफ्ट तरीके से सावर है जो बारिश है उसको बोल रहा है हु आर यू आप कौन हो इन विच टू विच द रेन रिप्लाइड जिसपे बारिश आंसर देती है इन अ स्ट्रेंज टू स्ट्रेट मैनर एक अजीब से तरीके में स्ट्रेट मैनर में सीधे तरीके से द रेन सेड दैट इट वॉज़ अ पोईम ऑफ द अर्थ कि ये पोइम है अर्थ की पोइम है भूमि की पोइम है एंड इट रोज कंटिन्यूली फ्रॉम द लैंड भूमि से ये हमेशा क्या है रोज करती है चढ़ती है एंड बॉटमलेस ओशियन जो बॉटमलेस ओशियन है वहाँ से इन फॉर्म ऑफ द वेपर भाप बनके जैसे हम बोलते हैं ना कि बारिश कैसे आती है जो हमारा ओशियन में पानी होता है वहाँ से पानी पूरा भाप बनके ऊपर उड़ जाता है आसमान में तो उसकी वजह से क्या आती है बारिश आती है वेपर का आता भाप बनके उड़ जाना आप टू हैव स्वर्ग की तरफ वेंस बेगलुली फॉर्म्ड ऑल टूगेदर चेंज द येट द सेम आई डिसेंट टू लेव द ड्रॉट एंड एटोनोमीज डस्ट लेयर्स ऑफ द ग्लोव एंड ऑल दैट इन दैम विदाउट मी व साउ सीड्स ओनली टैलेंट अनबॉर्न यहाँ पर देखिए रेंच वर्ड रेंच का मतलब क्या होता है वेयर और uh, बिगली इसका मतलब क्या होता है नॉट क्लियर डिसेंट इसका मतलब क्या होता है कम डाउन लेव वॉश और बॉथ टोमीज स्मॉल पार्टिकल्स लेटेंट हिडन बरीड जिसको हम छिपा देते हैं तो यहाँ पे देखिए बबलाइंस में पोइट ने क्या बोला है द रेन टेल्स डेट द पॉइट रेन बताती है पोइट को दैट इट राइज अप राइज अप वार्ड टू वर्ड्स अ स्काई कि ऊपर तक चढ़ी है स्काई की तरफ आसमान की तरफ इन द फॉर्म ऑफ वेपर भाफ बन के वेयर इट चेंज इट्स फॉर्म जहाँ पे इसने अपनी फॉर्म चेंज की है कॉन्डेंसीज इन टू वाटर ड्रॉपलेट अब ये पानी के ड्रॉपलेट में क्या हो है चेंज होगी है इट ऑल्सो सेज ये भी कहती है दैट थ्रो इट्स फॉर्म गेट्स चेंज चाहे इसकी फॉर्म चेंज हो चुकी है इट स्टिल रिमेन्स द सेम ये अभी भी सेम रहेगी द रेन कम्स डाउन टू वॉश द ड्रॉट अब जो रेन है नीचे आती है जो ड्रॉट होता है सोका आ, उसको छिप वॉश कर देती है एंड प्रोवाइड वाटर वाटर प्रोवाइड कर देती है दैट मीन्स सोखा जहाँ पे पड़ता है उसको हटा देती है और पानी प्रोवाइड कर देती है इट ऑल्सो वॉसिज अवे द डस्ट इसके साथ सारी जितनी भी धूल है वो साफ हो जाती है एंड स्मॉल पार्टिकल फ्रॉम द अर्थ सरफेस अर्थ के सरफेस पे धरती पे जितनी भी धूल जितने भी छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो सारे साफ हो जाते हैं एंड द सीड इन द अर्थ ग्रो इन द प्लांट जो धरती के अंदर बीज होते हैं वो प्लांट्स बन जाते हैं पौधे बन जाते हैं बिकॉज ऑफ द वाटर प्रोवाइडेड बाई रेन वाटर प्रोवाइड किया जाता है रेन के द्वारा इट गिव्स लाइफ टू द सीड तो ये जिंदगी प्रोवाइड करती है किसको बीजों को एंड फॉर एवर बाई डे एंड नाइट आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजन एंड मेक प्योर एंड ब्यूटी इट फॉर सॉन्ग इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस आफ्टर फुलफिलमेंट वनडरिंग रॉकड एंड अनरॉक ड्यूली विद लव रिटर्न रॉकड अन रॉक मीन्स क्या होता है वैदर केयर्ड और नॉट केयर्ड फॉर वैदर केयरड फॉर और नॉट केयर फॉर इट डजेंट इफेक्ट द रेन कि इसके ऊपर चाहे आप इसकी केयर करो चाहे ना करो रेन पे इसका कोई असर नहीं होता नॉर्ट द पॉइंट इफ़ सम वन लिसन टू द रेन और नॉट ना ही पॉइंट पर कोई असर होता है अगर रेन को कोई सुनता है या नहीं सुनता है द रेन सेज दैट बाई डे एंड नाइट कि दिन के और रात के द्वारा इट प्रोवाइड्स लाइफ लाइफ प्रोवाइड की जाती है केयर प्रोवाइड की जाती है इनरिचमेंट एंड वाटर टू द प्लेस उस जगह पे पानी प्रोवाइड किया जाता है इनरिचमेंट होता है उपजाऊ बनाने के लिए उसको वेयर इट ओरिजिनेटेड जहाँ पे इसका ओरिजन हुआ था जहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी द रेन केप्स इन्हांस द ब्यूटी एंड प्योरिटी ऑफ द अर्थ जो रेन है इसकी वजह से इसकी ब्यूटी सुंदरता और प्योरिटी बढ़ती है अर्थ की बाई प्रपेयरिंग अ लाइफ साइकिल फॉर इट सेल्फ अगेन जो खुद ही अपना एक लाइफ साइकिल परपेयर करती है द रेन इज लाइक अ सोंग ऑफ दैट ओरिजिनेट फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस रेन क्या है इसका ओ रीज़न कहाँ से हुआ है जैसे इसकी बर्थ प्लेस से ही इसका ऑज़न हुआ है एक सॉन्ग की तरह है जस्ट लाइक द हार्ट ऑफ द सिंगर जैसे एक सिंगर का वो होता है दिल होता है एंड ट्रैवल टू फुलफिल द अर्थ नीड्स एंड वंडर्स जो भी अर्थ की नीड है उसको पूरा करने के लिए यूज होता है इट फाइनली कम बैक टू द प्लेस फ्रॉम वेयर इट ओरिजिनेटेड अभी वापस उसी जगह पर आ जाता है जहाँ से शुरुआत हुई थी वेदर इट इज़ रियोन्ड और नॉट चाहे ये तबाह हो चुकी है चाहे नहीं इट प्रिटरेंस टू द ओरिजिनल पोजिशन तब भी इसकी ओरिजिनल पोजिशन पर आता है विद द लॉट ऑफ लव टू इट्स बर्थ प्लेस क्योंकि इसको अपनी बर्थ प्लेस के साथ क्या है बहुत ज़्यादा प्यार होता है इसमें देखिए लिटरेरी डिवाइस कौन कौन सी यूज़ हुई हैं फर्स्ट इज अ परसोनिफिकेशन परसोनिफिकेशन क्या है द पोइट यूज अ नॉन लिविंग थिंग एज द लिविंग थिंग इन द पोई पोइट जो पोइट ने यूज़ किया है इस पोईम में नॉन लिविंग नॉन लिविंग थिंग को एज अ लिविंग थिंग उसने यूज़ किया है आई एम द पोईम ऑफ द अर्थ जैसे इसने बोला है मैं पोईम हूँ अर्थ की पोइम हूँ ये क्या है नॉन लिविंग थिंग है सेट द वॉइस ऑफ द रेन इसने रेन की तरफ से रेन की आवाज़ में ये बोला है मेटाफोर देखिए इसमें क्या यूज़ हुआ है एंड इन डायरेक्ट कंपेरिजन बिटवीन द क्वालिटीज़ ऑफ द डिफरेंट थिंग अलग अलग चीज़ों के इन डायरेक्ट क्वालिटीज़ को बताया है. जैसे आई एम द पोए पोइम ऑफ अर्थ रेन इज़ बींग कंपेयर टू द पोइम बारिश को हम क्या कह रहे हैं पोइम से कंपेयर कर रहे हैं हाइपरबोलिए देखिए इसमें कौन सा यूज़ हुआ है एक्सट्रैक्ट स्टेटमेंट जैसे बॉटमलेस सी जिसका कोई बॉटम ही नहीं है ऐसा समुदर हाइपरबोली दैट मीन्स ये इम्पॉसिबल है इमेजनरी क्या यूज़ हुई है विजुअल डिस्क्रिप्शन ऑफ समथिंग जैसे बोला है सॉफ्ट फॉलिंग शावर शावर किसको बोल रहे हैं जैसे पानी का फुहरा चलता है ना ऐसे सॉफ्ट फॉलिंग बारिश को सॉफ्ट फॉलिंग से कंपेयर कर रही है so this one was the complete explanation of a poem that is the voice of the rain hope you have all enjoyed i request you all to subscribe my channel to give me your support thank you all for watching